खबर है कि अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तिफी भट्ट के बहनोई के कत्ल का मामला मकतूल जावेद भट्ट का जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम जारी है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को 5 गोलियां लगीं। तफसीलात जान लेते हैं, मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं। रमजान बेग, इस हवाले से अभी क्या पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल जी, ये अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजम तीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल का मामला है और तीफी भट्ट के बहनोई मकतूल जावेद भट्ट का मुर्दा खाने में पोस्टमार्टम का अमल जारी है। जनरल अस्पताल के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। याद रहे, पुलिस का कहना है और इब्तदाई रिपोर्ट में आया कि मकतूल को 5 गोलियां लगी हैं। इसके अलावा मकतूल को दाएं तरफ से जो गोलियां मारी गई, इब्तदाई रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है, दूसरी तरफ सीने पर 5 गोलियां लगने से मौत जो है इनकी वाकई हुई है। और पुलिस ने जनरल अस्पताल के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी और मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद उनके वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। जी ठीक है, रमजान बेग, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।